हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 165 से 167 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय कोमा माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि आखिर इसका कुछ इलाज कोमा कुछ इसका उपाय भी विरोधी दल के सदस्यों को बताना चाहिए था। स्टॉप। अध्यक्ष महोदय कोमा बहुत मोटी सी बात है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विवेक कोमा दिशा और दृष्टि के अभाव में इस शासन की जो ज्वलंत समस्या है यह आज की समस्या नहीं है। स्टॉप। आजादी के पहले से लगातार इस प्रदेश और देश के सामने मौजूद हैं और ये आगे भी होने वाली हैं। स्टॉप। इस संबंध में कोई दृष्टि और दिशा इस शासन के सामने नहीं है और यही कारण है कि इस प्रदेश को लगातार भूखमरी अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय कोमा जहां तक अभाव का प्रश्न है कोमा बहुत मोटी बात है कि अनाज रोजमर्रा की चीज है कोमा उसके उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप। इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टॉप। मैं समझता हूँ कि यह जो अभाव की स्थिति है इसकी तरफ ध्यान दिया जाता तो वह समाप्त हो सकती है। स्टॉप। जहाँ तक हमारे प्रदेश का सवाल है सिंचाई के मामले में हम 2.5% से ज्यादा सिंचाई ही कर पाए हैं। सन 1947 में अंग्रेजों के समय में सिंचाई 6% थी और अब वह बढ़कर इन 25 सालों में 8% तक पहुंच पाई है। स्टॉप। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस सरकार ने केवल 2% अतिरिक्त जमीन पर सिंचाई करने का काम किया है। स्टॉप पैरा। उपाध्यक्ष महोदय कोमा इस प्रदेश में 4.5 करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती है और जिस रफ्तार से सिंचाई का काम चल रहा है इस हिसाब से ना मालूम कितने साल लगेंगे यह अंदाज आप स्वयं लगा सकते हैं। स्टॉप। यह एक मोटी अक्ल की बात है कि जब तक सरकार की तरफ से सिंचाई का इंतजाम नहीं होगा कोमा तब तक प्रकृति के भरोसे पर हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकते और आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। स्टॉप। इसलिए यह जरूरी है कि हमें सिंचाई को प्राथमिकता देना चाहिए। स्टॉप। साथ ही साथ हमारे जो फिजूल खर्च हैं उन कामों को बंद कर देना चाहिए। स्टॉप। यह भी बहुत जरूरी है। स्टॉप। एक एक पैसा सिंचाई के लिए जोड़ना चाहिए कोमा तभी जाकर यह प्रदेश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। स्टॉप। इसलिए सबसे पहले मैं कोमा इस संबंध में यह बात बताना चाहता हूँ कि सिंचाई के मामले में हम लोगों को जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर होने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप। जहां तक सिंचाई का सवाल है कोमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन के प्रथम सत्र में यह घोषणा की थी कि 5 साल के अंदर हम सिंचाई के रकबे को 8% से बढ़ाकर 23% कर लेंगे। स्टॉप। लेकिन अभी तक 1-2 की स्थिति को देखते हुए यह प्रतीत ही नहीं होता कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। स्टॉप। इस प्रकार 23 तो दूर रहा हम 13% तक भी 5 सालों में नहीं पहुंच पाएंगे। स्टॉप। अगर 13% तक भी पहुंच जाते हैं तो भी मैं मान लूंगा कि हमने सिंचाई के मामले में कुछ काम किया है। स्टॉप। इसलिए मेरी शासन से प्रार्थना है कि वह इसकी तरफ अधिक ध्यान दें। स्टॉप पैरा। बाल श्रमिक समस्या
व्यक्तिगत विकास और देश की आर्थिक तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है स्टॉप, खासकर तब कोमा जब दुनिया का आर्थिक ढांचा सूचना कोमा जानकारी और ज्ञान की आर्थिकी पर टिका है स्टॉप, यहां बाल श्रमिक संख्या जो भी हो कोमा पर सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था कोमा वे खेत खलिहानों कोमा पत्थर खदानों कोमा कल कारखानों कोमा कोठियों में बाल मजदूरी कर रहे हैं स्टॉप। बाल मजदूरी विधेयक पारित किए जाने से बच्चों को शोषण कोमा गरीबी कोमा अशिक्षा और बीमारियों से निजात मिलने की आशा की जा सकती है स्टॉप। बाल मजदूरों को मुक्त कराने की प्रक्रिया और बाल श्रमिक पुनर्वास का प्रावधान नए कानून में अवश्य किया जाना चाहिए स्टॉप। मुक्त कराए गए बच्चों का आर्थिक कोमा सामाजिक कोमा शैक्षणिक पुनर्वास किस तरह किया जाएगा स्टॉप। कानून अथवा नियमों में इस बात को सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है स्टॉप। हर साल लाखों बच्चों को बहला फुसला कर या माता पिता को प्रलोभन देकर बाल दुर्व्यापार में धकेल दिया जाता है स्टॉप। इस प्रकार वे तरह तरह की बाल मजदूरी कोमा बंधुआ मजदूरी कोमा जबरन भिक्षावृत्ति कोमा बलात् घरेलू श्रम आदि का शिकार बनते हैं स्टॉप। जिस विधेयक का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं वह 1986 में बने बाल श्रम कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन से जुड़ा हुआ है स्टॉप। इसका उद्देश्य मौजूदा कानून का बाद में बनाए गए अन्य प्रगतिशील कानूनों और सांविधानिक प्रावधानों से तालमेल बैठाना है स्टॉप। साल 1986 में बना बाल श्रम कानून खतरनाक उद्योगों के अलावा 4 साल तक के बच्चों की मजदूरी की इजाजत देता है कोमा जबकि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 कम से कम 14 साल तक उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में गारंटी देता है स्टॉप। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 के अंतर्गत न्यायिक दंडाधिकारी को किसी बंधुआ बाल मजदूर को मुक्त कराने का अधिकार देता है स्टॉप। बाल मजदूरों को मुक्त कराने संबंधी प्रक्रिया और बाल श्रमिकों के पुनर्वास का प्रावधान नए कानून में किया जाना चाहिए स्टॉप। हम जानते हैं कि सिर्फ कानून बनने से सामाजिक बुराइयां और अपराध खत्म नहीं किए जा सकते कोमा मगर उचित और प्रभावी कानून के बगैर भी यह संभव नहीं होता है स्टॉप। इसीलिए समाज के उपेक्षित वर्ग को न्याय और मानवीय गरिमा देने के लिए अच्छे कानूनों की जरूरत पड़ती है स्टॉप। मैं प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री इस विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने के संबंध में दिया गया आश्वासन का स्वागत करता हूं स्टॉप। प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के अनुसार विधेयक पारित हुआ कोमा इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं स्टॉप। पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में और सुधार किया जाना चाहिए स्टॉप। पैरा हमारे देश में बाल विवाह की जड़ें बहुत गहरी हैं कोमा पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस समस्या का निवारण नहीं है स्टॉप। इस समस्या के पीछे इच्छा शक्ति की कमी होना एक कारण हो सकता है स्टॉप। यह जानना जरूरी हो गया है कि कानून इस इच्छा शक्ति का विकल्प नहीं हो सकता है स्टॉप। अक्सर हम कानून बनाने के उपरांत यह मान लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया और बाकी प्रयास छोड़ देते हैं स्टॉप। असामाजिक बुराइयों के मामले में सिर्फ कानून पास हो जाने से समस्या का थैंक यू साथियों।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।